Hello students, in our last class we discussed the moderates leadership of Indian National Congress, right, and Orientalism. Now see, when Britishers came to India, the major problem they faced was how to rule this country. This was the biggest problem the Britishers faced, because on the basis of war, they knew it. They fought various wars, and because of war, they conquered various parts of India. So, the impression of Britishers among Indians was, as they were all warriors, they simply won various war, and that's why they are ruling us. But they are aliens, they are not indigenous population, they are aliens. देखिए क्या हुआ कल, जो भी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा ऑनलाइन ये यूट्यूब के जरिए, उसमें जो उस दौर के नरमपंथी लोग थे, मॉडरेट नेता जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो वो किस तरीके से प्राच्यवाद से प्रभावित थे और प्रो ब्रिटिशर्स वो थे, ब्रिटिश के साथ लिख रहा करते थे, उन पर उनका विश्वास था एक तरीके से, और भारत को वो एक तरीके से आधुनिक सभ्यता बनाना चाहते थे. दे वॉन्टेड टू मेक इंडिया अ मॉडर्न सिविलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स की मदद से वो बनाना चाहते थे, एंड दे हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट राइटिंग ऑन देम. और उनके ऊपर ओरिएंटलिस्ट प्राच्यवादी विचारधारा का जो असर था वो बहुत ज़्यादा था. Now, see, जब वो the same stuff I'm speaking in Hindi, same चीज़ें मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कि जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी. सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये थी कि इतनी सारी विभिन्नताओं वाले देश पर शासन कैसे किया जाए. क्यों? क्योंकि सबको मालूम था कि युद्ध के दम पर ही ब्रिटिशर्स का शासन जो है एस्टैब्लिश हुआ है. अब क्योंकि ब्रिटिशर्स का शासन युद्ध के दम पर एस्टैब्लिश हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंडियन उनको किस नज़र से देखेगा. सब इंडियंस के दिमाग में यह आएगा कि अच्छा, ये जो अंग्रेज हैं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने तलवार के दम पर हम पर साम्राज्य अपना स्थापित किया है. सो when many Indians will start believing that they are actually the warriors, okay, the violent rulers, बहुत सारे लोग ये मानने लगेंगे कि ये एक तरीके से योद्धा है और एक हिंसक शासक है, तब क्या होगा? The indigenous population will mistrust those. तो जो यहाँ की local population है, जो यहाँ की जनता है, वो उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी. देन द ब्रिटिशर्स टुक द हेल्प ऑफ ओरिएंटलिस्ट राइटर्स एंड देयर राइटिंग्स. तब ब्रिटिशर्स ने भारत पर शासन करने के लिए ओरिएंटलिस्ट राइटिंग का सहारा लिया, ओरिएंटलिस्ट राइटर का सहारा लिया. व्हाट वाज द फिलॉसफी बिहाइंड एक्सेप्टिंग द ओरिएंटलिस्ट राइटिंग एंड ओरिएंटलिस्ट राइटर्स? भाई इसके पीछे कारण क्या था कि क्यों ब्रिटिशर्स उनकी राइटिंग की मदद ले रहे थे? सी, देयर इज अ फेमस कोटेशन, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी सोसाइटी, अंडरस्टैंड इट्स स्टेट. अगर आप किसी भी राज्य को समझना चाहते हैं, समाज को समझना चाहते हैं, तो आप पहले उस राज्य को समझ जाइए. राज्य अगर आपके समझ में आ गया तो आपकी समझ में पूरा समाज आ जाएगा. अब सीधी सी बात है, द विक्ट्री विच ब्रिटिशर्स हैड, वॉज इट अ रियल विक्ट्री? दे वर थिंकिंग बिफोर आर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. भाई आजादी से पहला जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष हुआ 1857 में, उससे पहले वो क्या सोच रहे थे कि भाई ये जो हमारी जीत है भारत के ऊपर, जितनी भी है, प्लासी वगैरह, ये जीत क्या स्थायी है, वेदर इट इज परमानेंट और नॉट? बिकॉज वी हैव वॉन दिस कंट्री थ्रू वॉर. हमने इसको
वॉर से जीता है। एंड एनी विक्ट्री विच इज वॉन थ्रू वॉर इज नॉट परमानेंट। कोई भी युद्ध, एनी वॉर, कोई भी युद्ध अगर आप तलवार के दम पे जीतते हैं तो वो बहुत स्थायी नहीं होता, बहुत लंबी उसकी उम्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक न एक दिन लोग आवाज उठाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज देर इज अ सैचुरेशन पॉइंट ऑफ एवरीथिंग एंड पीपल जनरली रेज देयर वॉइस अगेंस्ट एनी ऑप्रेसर। एंड ब्रिटिशर्स वर सीन वर परसीव्ड एज ऑप्रेसर्स इन इंडिया एट दैट टाइम। तो सीधी सी बात है भाई, ये तो सब मानेंगे कि भाई शस्त्र से हमने लड़ाई लड़ी, युद्ध जीता है, तो हम लोग वायलेंट हैं, और ये हमारा जो यहाँ पर जो हमने शासन बनाया वो स्थायी नहीं है। अब अगर ये हमारा जो शासन हमने बनाया है ये स्थायी नहीं है, तो इसको स्थायी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? वॉट वी हैव टू डू टू मेक आर विन परमानेंट इन दिस कंट्री। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ विनिंग जनरली दे वर ऑल डिस्कसिंग इन 1838। ये उस समय डिस्कस कर रहे थे ब्रिटिशर्स 1838 के आसपास कि भाई जो भी लड़ाई लड़ी जाती है वो परमानेंट नहीं होती, तो आखिर इस लड़ाई को जो हमने जीता है भारत को, इसको परमानेंट करने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है? सो वी हैव टू विन द हेड्स एंड द हर्ट्स ऑफ द पीपल। दैट विनिंग वुड बी परमानेंट। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को उसके दिमाग और उसके दिल से जीत लेते हैं, तो ये जो विक्ट्री होगी ये परमानेंट होगी। सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट आर स्ट्रेटेजी टू विन द हेड्स एंड द हर्ट्स ऑफ इंडियंस, एंड वी हैव टू इरेज कंप्लीटली फ्रॉम देयर माइंड, फ्रॉम देयर साइके, दैट वी आर वायलेंट एंड वी वॉन their country through warfare means and so on and so forth. We means the Britishers. Britishers ने क्या सोचा कि भाई हमें जो हम इनके दिमाग में स्मृति है, हमें लेकर एक विश्वास बैठा हुआ है कि हमने युद्ध के दम पे इन्हें जीता है, उस विश्वास को हमें मिटाना होगा, उस मेमोरी को हमें मिटाना होगा, और उसकी जगह एक नई मेमोरी हमें डालनी होगी जिसमें हमें यह बताना होगा कि हम वैसे नहीं हैं जैसे आप सोच रहे हैं, और उनके दिल और दिमाग को जीतना होगा। ओके, तो जैसे आप सोच रहे हैं वैसे हम बिल्कुल नहीं हैं। वी आर हियर टू मेक यू सिविलाइज्ड, टू मेक यू मॉडर्नाइज, ओके, एंड वी आर आवर प्रेजेंस इन योर लैंड इज फॉर योर ओन गुड। भाई हम यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ आए हैं आपको सिविलाइज करने के लिए, सभ्य बनाने के लिए, हमारा आधुनिक बनाने के लिए जैसे हम हैं, और हमारा जो उपस्थिति है यहाँ पर वो आपके भले के लिए है, आपके बुरे के लिए नहीं। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा? वी हैव टू इरेज द मेमोरी फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द इंडियंस विच सी अस एज वायलेंट, जो हमें एक आक्रांता या एक लड़ाकू या एक हिंसक की तरह से हमें देखती है। और उसके बदले हमें क्या करना होगा? हमें यह समझाना होगा कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं है भाई, हम वास्तविक रूप में आपको आधुनिक बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आपके अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं वो सब खत्म हो जाएं और आप भी एक मॉडर्न राज्य बने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें वहां पर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, द ब्रिटिशर्स। यू कैन सी माई नेक्स्ट वीडियो ऑन नेशनलिज्म इफ यू वॉन्ट टू नो द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आई सून अपलोड इट, द सेकेंड पार्ट। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी सपोज टू डिस्कस हियर इज दैट वंस दे डिसाइडेड दैट दे हैव टू विन द बॉडी एंड द माइंड्स ऑफ इंडियंस, सो वट शुड दे डू, उन्हें करना क्या होगा? जैसे उन्होंने तय किया कि उन्हें भारतीयों का मस्तिष्क और हृदय जीतना है, तो इसके लिए क्या करना होगा उन्हें? सो दे सिंपली टुक द हेल्प ऑफ
द ओरिएंटलिस्ट राइटर्स. फॉर एग्जाम्पल वॉटसन, जॉन स्टुअर्ट मिल एंड इट्स हिज ट्राइफर्केशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ओके, एंड देर वर विलियम जोन्स एंड देर वर सो मेनी राइटर्स विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन आवर क्लास. ना बिकॉज समवन वॉज सेइंग दैट ही और शी मे बी डिडंट अटेंड दिस क्लास, सो आई एम ब्रीफली समराइजिंग इट अबाउट मिल ओनली. मिल इज ओरिएंटलिस्ट राइटर, वॉज ओरिएंटलिस्ट राइटर जॉन स्टुअर्ट मिल, एंड ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू थ्री कैटेगरीज. वन इज हिंदू इंडिया, सेकेंड इज मुस्लिम इंडिया, एंड थर्ड इज ब्रिटिश इंडिया, विच टूडे वी नो एज एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया. सो देर वॉज अ एजेंडा बिहाइंड ट्राइफर्केशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंड सरप्राइजिंगली इट इज नॉट से दैट नो द ब्रिटिश इंडिया इज क्रिश्चियन इंडिया, एंड वी हैव डिस्कस्ड इट. देखिए जिस तरीके से जॉन स्टुअर्ट मिल हैं वो एक उपयोगितावादी विचारक हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा. पहला भाग को उन्होंने हिंदू भारत कहा, दूसरे भाग को मुस्लिम भारत कहा, और तीसरे भाग को उन्होंने ब्रिटिश भारत कहा. और उसके पीछे उनका एक क्लियर कट एजेंडा था, और उसके सहारे जो ब्रिटिशर्स ने उस इतिहास के वर्गीकरण का सहारा लिया, काफी हद तक सहारा लिया. और सरप्राइजिंगली मजेदार बात यहां यह भी है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो ब्रिटिश भारत जिसको कहा उसको उन्होंने क्रिश्चियन भारत नहीं कहा. ये एक बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात है जो हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ओके ना, दिस ट्राइफर्केशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज अ नैरो आइडिया. ये जो इतिहास का वर्गीकरण था ये एक बहुत संकीर्ण विचारधारा थी, भारत के इतिहास को इस तरीके से बांटना. एंड ब्रिटिशर्स एडॉप्टेड इट. ऑन द वन हैंड दे वर इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, दे वर ट्राइंग टू एंड मैनी इल प्रैक्टिसेस अमंग वेरियस कास्ट एंड रिलीजियस कम्युनिटीज, एंड ऑन द अदर हैंड दे देमसेल्व्स वर थ्रोइंग ट्रेडिशनल आइडियाज. देखिए एक तरफ जहां वो आधुनिक शिक्षा लेकर आ रहे थे, जो भी जाति या किसी भी धर्म में जो कुरीतियां थी उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे थे, कर भी रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जब ओरिएंटलिज्म की तरफ वो खिंचते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो पारंपरिक चीजें भी भारतीय समाज को देते जा रहे थे. तो अब आप ये सोचिए कि इस ट्राइफर्केशन का क्या मतलब है, ये जो इतिहास का तीन भागों में बांटा इसकी जरूरत क्या है, क्यों तीन भागों में बांट रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वो हमें उस तरफ सोचने के लिए भी मजबूर कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमें मॉडर्न एजुकेशन भी मिल रही है. तो एक तरीके से एक डायकोटॉमी वहां पर क्रिएट होती है ना. सिंस वी हैव डिस्कस्ड मॉडरेट लीडर्स ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस, व्हाट वी सी आफ्टर लाइक सम टाइम्स देयर ऑफ लाल बाल पाल इन इंटरनेशनल कांग्रेस. लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, एंड पॉल मीन्स बिपिन चंद्र पॉल. एंड आफ्टरवर्ड्स नेहरू, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज, एंड सो देर वर सो मेनी सावरकर, सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स वी सॉ. नाउ इफ यू सी और रिमेंबर आवर फर्स्ट लेक्चर, द व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया दे आस्क अस यू कांट बी अ नेशन, एंड सिंस यू कांट बी अ नेशन यू कांट डिमांड इंडिपेंडेंस. And all the exercise here was entirely based on to prove India that you are not a nation. देखिए जब पिछला लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें एक चीज थी कि ब्रिटिशर्स ने आते ही भारत से ये सवाल पूछा कि भाई आप तो नेशन है ही नहीं, और जब आप नेशन है ही नहीं और बन भी नहीं सकते तो आप किस आधार पर आजादी की मांग रखेंगे, आपका बेसिस क्या होगा आजादी मांगने का. तो ये चीज थोड़ा सा परेशान किया यहाँ के राइटर्स को, जिस
दिस क्वेश्चन डिस्टर्ब्ड मैनी मैनी थिंकर्स ऑफ इंडिया एंड दे सम हाउ से दैट हिंदू कल्चर नो हिंदू रिलीजन एंड हिंदू लैंग्वेज हिंदी इज द प्रीडोमिनेंटली मेक इंडिया अ हिंदू नेशन. नाउ व्हेन दीज एक्सट्रीमिस्ट एंटर इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, जब ये एक्सट्रीमिस्ट लोग आना शुरू होते हैं लिबरल्स के बाद, तब उन्होंने वापस ब्रिटिशर्स से ही सवाल कर दिया. दे सिंपली पुट द क्वेश्चंस टू द ब्रिटिशर्स इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स. नाउ व्हाट वाज देयर क्वेश्चन? Why should we believe that whatever you are saying, that singular culture, singular language, singular or similar nationality or religion or race and so on and so forth, make any state or society a nation? Why should we believe this? भाई आपने हमें बताया कि एक तरीके की भाषा, एक तरीके का धर्म, एक तरीके का खान पान, एक तरीके की संस्कृति है ना, और एक तरीके का रेस, ये किसी भी राज्य को राष्ट्र बनाता है. जब किसी भी राज्य को राष्ट्र बना देता है तो ये कहाँ लिखा है और हम क्यों माने इस बात को? Why should we believe you and why should we look like you? और हमें आपके जैसा दिखने की जरूरत क्या है? We are a nation, yes we are a nation, but we are not like you. We are a unique nation and we are presenting a different definition of a nation. भाई हम एक अलग नेशन है, एक अलग राष्ट्र है, और अलग राष्ट्र होने की वजह से राष्ट्र की एक बिल्कुल अलग परिभाषा देते हैं, विच इज नॉट क्वाइट सिमिलर टू योर्स, रादर कॉन्ट्रेरी. ये बिल्कुल भी आपकी जो राष्ट्र की अवधारणा है उससे नहीं मिलती, बल्कि उसके विपरीत दिशा में जाती है. इसका मतलब ये नहीं होता कि जो आप कह रहे हैं वही सार्वभौमिक सत्य हो गया. इट डजंट मीन दैट व्हाटएवर यू आर सेइंग इज यूनिवर्सल ट्रूथ. नो, व्हाटएवर यू आर सेइंग इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ. सो यू हैव टू एडमिट और एक्सेप्ट आवर डेफिनेशन. व्हाट इज दैट? यस, यू आर ट्रू, यू आर सेइंग इट राइट. वी आर नॉट वन लैंग्वेज कंट्री, वी डोंट वॉन्ट टू बी. हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे देश में एक भाषा की प्रधानता नहीं है, हमें बनना भी नहीं है. यस, यू आर राइट, वी आर नॉट अ वन रिलीजियस कंट्री एंड वी डोंट वॉन्ट टू बी. भाई हम एक धर्म वाले राज्य नहीं और हमें बनना भी नहीं है. वी आर नॉट अ वन और सिंगुलर कल्चर नेशन एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू बी. भाई हम एक संस्कृति वाले भी राष्ट्र नहीं है और हमें बनना भी नहीं है. क्यों बने? Why should we be? Because you are saying that these are the parameters to become a nation. क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये कुछ पांच छह पॉइंट्स हैं जो नेशन बनाते हैं. We simply deny that definition, your own definition. Rather, we are building our own definition. हम आपकी जो परिभाषा दी है उसको पूरी तरीके से नकार रहे हैं और हम अपनी परिभाषा दे रहे हैं. We are a unique nation where diversity prevails and we know how to respect diversity. That you don't know. हम एक यूनिक नेशन है जो आपके नेशन की परिभाषा में फिट नहीं बैठता है. एक नई परिभाषा हमारी विकसित होती है और हमारी परिभाषा है कि हम एक ऐसे नेशन है जो विविधताओं से भरा हुआ है
और हम विविधताओं का सम्मान करते हैं जो आपको नहीं आता। तो हमें आपके जैसा, देखिए वो ये नहीं करे कि हमें नेशन बनने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसा दिखने की या आपके जैसा नेशन बनने की जरूरत नहीं है। वी डू नॉट वॉन्ट टू बी अ नेशन लाइक योर नेशन, और वी डू नॉट वॉन्ट टू फॉलो द डेफिनेशन विच यू आर गिविंग टू अस। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट आए और उसके बाद नेहरू, गांधी, ये सब लोग आए, इन लोगों ने इसी तरीके से सवाल किया कि भाई हम लोग आपके जैसे नेशन नहीं बनना चाहते, और जो नेशन की डेफिनेशन आपने दी है, जरूरी नहीं है कि हम उस नेशन की डेफिनेशन में बिल्कुल फिट बैठ जाएं। हमारा एक अलग तरीके का राष्ट्र है, हम आपके राष्ट्र की परिभाषा को नहीं मानते। ठीक उसी तरीके से जैसे आप हमारे राष्ट्र की परिभाषा को नहीं मान रहे हैं, हम अपने राष्ट्र की परिभाषा को मानेंगे जहां हम रहते आए हैं। ये हमारा राष्ट्र है। और किसने कहा है कि भाई जो आप कह रहे हैं वही हम लोग माने? ये जो विरोध था, ये विरोध ब्रिटिशर्स को मालूम था कि ऐसा होगा। ब्रिटिशर्स न्यू दैट पीपल विल सम टाइम और अनदर अपोज दिस आइडिया ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म, एंड बिकॉज ऑफ दिस द आइडिया ऑफ नेहरू, गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, लाल बाल पाल फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। ये जो पीरियड शुरू हुआ इसमें लाल बाल पाल, गांधी, नेहरू, बोस, भगत सिंह, इन्हीं लोगों के विचार ज्यादा फैले और पॉपुलर भी हुए लोगों के बीच में। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन नेशनलिज्म, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द हिस्ट्री, कॉलोनियल हिस्ट्री, दैट आर नेशनलिज्म वॉज एंटायरली बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स। जब भी हम किसी ब्रिटिश सॉरी किसी जब भी हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम भारत का राष्ट्रवाद सिद्धांतों पर आधारित रहा है हमेशा से। वाइल ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड आर नेशनलिज्म वॉज आर स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल रेजिम वॉज नॉट बिकॉज वी हैड डिफरेंट कलर्स। जो भी हमारा संघर्ष था ब्रिटिशर्स के साथ, वो इस आधार पर बिल्कुल नहीं था कि उनका स्किन का रंग हमारे स्किन के रंग से अलग है, इसलिए उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। सिंस इंडिया इज अ लैंड ऑफ ब्राउन और ब्लैक पीपल एंड यू आर वाइट पीपल, सो लीव दिस कंट्री। नो, इंडियंस डिडंट से दिस, नॉट अ सिंगल लीडर हूएवर दे आर। अनलाइक अफ्रीकन नेशनलिज्म, अफ्रीकन नेशनलिज्म वॉज एंटायरली बेस्ड ऑन कलर, स्किन कलर, ओके। इंडियन नेशनलिज्म वॉज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स। जो भारत का राष्ट्रवाद था वो अफ्रीकन राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलग था। अफ्रीकन राष्ट्रवाद रंग भेद के आधार पर ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन भारत का राष्ट्रवाद सिद्धांतों के आधार पर ब्रिटिशर्स के साथ संघर्ष कर रहा था। व्हाट वॉज दोज प्रिंसिपल्स? नंबर वन, इंपेरियलिज्म इज बैड फिलोसफी, इट्स नॉट गुड। जो भी उपनिवेशवाद है वो अच्छी विचारधारा नहीं है। नंबर टू, कॉलोनियलिज्म इज नॉट गुड। जो उपनिवेशवाद है वो सही नहीं है। नो कंट्री कैन मेक अनदर कंट्री एज देयर कॉलोनी। कोई भी एक देश किसी दूसरे देश को अपना गुलाम नहीं बना सकता, अपना उपनिवेश नहीं बना सकता। इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये मानवता के नियमों के खिलाफ है। नो इंडिविजुअल कैन वायोलेट द बेसिक राइट्स ऑफ और एनी राइट ऑफ द अदर इंडिविजुअल। कोई भी एक व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तो आर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स वॉज नॉट बेस्ड ऑन स्किन कलर, बट आर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स वॉज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स।
principles. What was that? Our struggle was based, our entire freedom struggle was to achieve freedom or liberty, equality, justice, brotherhood, world brotherhood, and not on any type of narrow idea. This is the foundation of Indian nationalism. देखिए जो भारत का राष्ट्रवाद है उन्होंने किस आधार पर उसे कहां से उसको हम समझें तो हमें ये जानना होगा कि भारत के राष्ट्रवाद में जो लाल बाल पाल का दौरा है जो नेहरू थे गांधी थे भगत सिंह सावरकर या जो भी जितने भी विचारक थे उस दौर के सुभाष चंद्र बोस इन सभी लोगों ने जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक संघर्ष किया उस संघर्ष में उनका जो विरोध था ब्रिटिशर्स के साथ वो इस आधार पे बिल्कुल भी नहीं था कि उनके स्किन का कलर हमारे स्किन के कलर से अलग है इसलिए हम विरोध कर रहे हैं बल्कि भारत के राष्ट्रवाद का विरोध या रादर भारतीय जो राष्ट्रवादी थे उनका विरोध इस आधार पर था कि वो सैद्धांतिक था सॉरी जो भी विरोध था हमारे यहाँ वो सैद्धांतिक विरोध था सैद्धांतिक विरोध मतलब कि किसी भी देश को कोई एक साम्राज्यवादी शक्ति अपना गुलाम नहीं बना सकती नंबर दो उपनिवेशिक शक्ति उपनिवेश नहीं बना सकती नंबर तीन अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता नंबर चार उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दोनों डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं जो भी प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनके खिलाफ हैं और एक इंसान किसी दूसरे इंसान को गुलाम नहीं बना सकता ना उसके अधिकारों का हनन कर सकता तो ये जो सिद्धांत थे इन सिद्धांतों पर भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पड़ी वो सिद्धांत क्या थे कि भाई भारत की आजादी की लड़ाई जो थी वो स्वतंत्रता समानता न्याय विश्व बंधुत्व है ना इन सब सिद्धांतों पर आधारित थी तो यहां से भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पड़ती है जिसका आधार ब्रिटिशर्स से नफरत नहीं था वी डिड नॉट हेट द ब्रिटिश वी सिंपली डिड नॉट हेट द ब्रिटिशर्स हम ब्रिटिशर्स से नफरत नहीं किए बट वी अपोज्ड ब्रिटिश इंपेरियलिज्म एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म देयर इज अ डिफरेंस कीप दिस इन माइंड देखिए हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से नफरत नहीं किया लेकिन हम लोग ब्रिटिशर्स के औपनिवेशिक शासन के खिलाफ थे और ब्रिटिशर्स की साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ थे ये भारत का राष्ट्रवाद था दिस वॉज द इंडियन नेशनलिज्म और दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म विच वॉज एंटायरली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स सर्टन प्रिंसिपल्स नाउ इफ वी सी और इफ वी टॉक अबाउट टूडेज आइडिया ऑफ इंडियन nationalism so we have to see our national song national anthem agar hum aaj ke rashtravad ki baat kare to hame sabse pehle dekhna hoga ki aakhir hamara rashtragan kaisa hai unlike any other country and its national anthem the national anthem of india is highly inclusive in nature किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत का जो राष्ट्रगान है वो ज्यादा समावेशी है कैसे ईच एंड एवरी स्टेट्स आर कवर्ड इन दिस एंथम लगभग सभी राज्य इस हमारे राष्ट्रगान में राष्ट्रगान उन सभी राज्यों को कवर करता है असम को भी करता है कुछ लोग कहते हैं there are certain people who say that no Assam is not represented in our national anthem see when this national anthem was completed Assam was part of Bengal so whenever we pronounce bang means the entire northeast region
सो दैट वॉज द केस। देखिए जब भारत आजाद हुआ था, तो आजाद होने के बाद अगर हम लोग राष्ट्रगान से इसको समझने की कोशिश करें तो किसी भी दूसरे देश के राष्ट्रगान से भारतीय राष्ट्रगान जो है वो ज्यादा समावेशी है, बड़ा है, विस्तृत है। क्यों? क्योंकि वो सभी राज्यों को समाहित करता है, इट इंक्लूड्स एवरी स्टेट। असम को भी करता है, क्योंकि जिस समय लिखा जा रहा था असम बंगाल का ही अंग था। ठीक है, सी द आर नेशनल एंथम डू नॉट कंसिडर इंडिया एज अ यूनिट, बट इट एक्चुअली रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जो हमारा भारत है वो कहीं पर भी बिल्कुल भी इस चीज का प्रदर्शन नहीं करता कि भाई भारत एक यूनिट है, बाकी सब इसके सबॉर्डिनेट है। नहीं, इट एक्चुअली रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी बाय प्रोनाउंसिंग ईच एंड एवरी स्टेट और रीजन ऑफ इंडिया। इफ यू सी एनी अदर कंट्रीज नेशनल एंथम, आई रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी कंट्रीज नेशनल एंथम, बट देयर national anthem somehow expect that every citizen of their country should submit himself or herself to one particular unit, that is that particular country or nation। देखिए जितने भी राष्ट्र हैं और सभी राष्ट्र के राष्ट्रगान का मैं सम्मान करता हूँ, वो कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के नागरिकों से ये उम्मीद करते हैं कि वो सब अपनी रीजनल आइडेंटिटी को थोड़ी देर के लिए भूल के एक नेशनल आइडेंटिटी में अपने आप को समाहित कर लें। लेकिन भारत का संविधान ऐसा, सॉरी, भारत का राष्ट्रगान ऐसा नहीं है। इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल एंथम सिंपली इट्स नॉट लाइक दैट। इट टॉक्स अबाउट ईच and every region, and it incorporates each and every region in respect its diversity and include all the diversity into the Indian nation. It doesn't want, our national anthem doesn't want any individual or any regional unit to merge itself into a national unit. It is highly